ये वीडियो गाइस आप सभी के लिए है, क्योंकि आप चाहे शेडिंग मोबाइल के प्लेयर हो, चाहे आप BGMI के प्लेयर हो, चाहे आप न्यू स्टेट के प्लेयर हो, चाहे आप एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल के प्लेयर हो, आपको स्ट्रीम तो कभी ना कभी करना ही होता ही है। गाइस आपने तो सुना होगा काफी सारे लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल एप्स होते हैं जिनके थ्रू आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं गेम के अंदर में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ही ऐसे एप्स होते हैं जो RTMP की को सपोर्ट करते हैं, जिसके थ्रू आप चाहे तो आप 4K में भी स्ट्रीम कर सकते हैं और उसके अलावा 2K में भी स्ट्रीम कर सकते हैं और यहाँ तक आप 60fps भी इनेबल कर सकते हैं, तक कि सब ओनली मोड भी ऑन कर सकते हैं, जिसकी वजह से जिसको भी आपके साथ चैट करना होगा वो जबरदस्ती सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तब जाके वो आपकी जो आपसे चैटिंग करेगा लाइव चैट में वो आपसे बात कर पाएगा। ठीक है गाइस, तो इसी चीज के लिए इसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो पूरा का पूरा देखें। मैं आपको एप्स के बारे में बताऊंगा, मोबाइल स्ट्रीमिंग एप्स के बारे में, जिनमें आपको बिटरेट भी अच्छा खासा मिलेगा और भी काफी कुछ। तो गाइस टर्निप एक ऐसा ऐप है जिसमें आप अपने टीममेट्स के साथ भी बात कर सकते हैं और उसके अलावा में जो आप स्ट्रीम पे आपकी जो वॉइस जाएगी वो भी क्लियर जाएगी, और इस ऐप में आपको जो है वो ऑडियो का वो इक्वलाइजर मिल जाता है, ये मैं समझना कि वो वाला इक्वलाइजर मिल जाता है जिसमें आप हर चीज अपना वो बेस ट्रेबल बूस्ट हर चीज कर सकते हो, वो सब चीज नहीं है इसमें फोन वाले ऐप में। इसमें क्या है कि आप अपनी स्ट्रीम की ऑडियो को और उसके अलावा अपने माइक्रोफोन की ऑडियो को दोनों को ही एडजस्ट कर सकते हो कि क्या करना है और कितनी रखनी है ऑडियो, कौन सी ज्यादा रखनी है कौन सी कम रखनी है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और अपना टर्निप रूम बना करके अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हो, उनके साथ में खेल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो और भी काफी कुछ। ये जो बातें हैं भाई बहुत ही जबरदस्त लगती है टर्निप ऐप के बारे में, बस ये है कि इसकी स्ट्रीम की क्वालिटी उतनी बेहतरीन नहीं आती, लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपका जो डाटा का जो फोन का डाटा है वो यूज करते हैं मोबाइल डाटा, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा ये ऐप। इसमें आप वाईफाई से भी स्ट्रीम कर सकते हैं, 4 Mbps इसमें चाहिए रहेगा आपको अगर आप 1080p स्ट्रीम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रहता है, थंबनेल का कोई इशू नहीं रहता, आप थंबनेल जा करके लगा सकते हैं उसमें ऐप के अंदर में ही जैसे आप स्ट्रीम कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया स्ट्रीमिंग ऐप है। अब बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट ऐप की ओर में, जिसको कह सकते हैं आप स्ट्रीम एप्स OBS का जो मोबाइल ऐप है। ठीक है, जो वो वाला ऐप है उस वाले में हाई बिटरेट जो आ रहा है ना भाई, 48,000 का बिटरेट जाता है उसमें, यानी कि 48,000 KB का, वो भाई क्या ही जबरदस्त क्वालिटी आती है उसमें। लेकिन बात वही आती है कि उस वाले में यह कि आपको चैट्स नहीं दिखती, जब आप चैट्स देखना शुरू करेंगे आपको वहां पे ढंग से चैट्स नहीं दिख रही है। ठीक है, तो गाइस वो मैं आपको ऐप इतना रिकमेंडेशन में डालूंगा, उसका मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ऐप है जिसका आप यूज कर सकते हैं वो है स्टारस्केप। जी हाँ, मैं रिसेंटली उसका काफी बार यूज कर रहा हूँ स्टारस्केप ऐप का, और क्या ही बढ़िया ऐप है स्टारस्केप। तो गाइस वो वाला जो ऐप है उस वाले में क्या है कि आप थंबनेल भी सेट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप RTMP के थ्रू करेंगे लाइव स्ट्रीम जैसा मैं कर रहा हूँ RTMP के थ्रू में, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली जाकर अपने जो YT स्टूडियो है वहां से जाकर के आप उसको जो है वो आप वहां से चेंज कर सकते हो कि आपको कौन सी क्वालिटी में स्ट्रीम करना है, और वहां आपको दिखाएगा कि आपको कितने बिटरेट रिक्वायर्ड रहेंगे वो सब करके। लेकिन जब भी आप वहां से स्ट्रीम करें तो आप एटलीस्ट 1080p वहां सेलेक्ट करें विद 12 Mbps। ठीक है, अगर आप अच्छी क्वालिटी में स्ट्रीम करना चाहते हैं, बाकी अपने हिसाब से देख लेना कि आपका डाटा कितना सपोर्ट कर रहा है और कितना आपका वाईफाई सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, मैं तो खैर इतना मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उसके अलावा मैंने क्या किया कि जो YT स्टूडियो ऐप रहता है वहां के थ्रू जाकर के मैंने उसमें जो है वो मैंने अनेबल करके रखा हुआ है, जिसमें मैंने 2K में स्ट्रीम करता हूँ मैं 60fps में। तो गाइस वो बहुत ही बढ़िया टेक्निक है जिसके थ्रू आप यूज कर सकते हो, और जब आप लाइव स्ट्रीम करोगे तो भाई लाइव स्ट्रीम भी पता लगेगा कि आप क्या ही क्वालिटी देते हो। ठीक है, अब बैकग्राउंड में भी म्यूजिक चाहिए होगा आपको थोड़ा बहुत दिखाने के लिए नॉन कॉपीराइट साउंड, ताकि थोड़ा सा आपको जो वीडियो है वो लाइव स्ट्रीम है वो बोरिंग ना लगे, उसके लिए मैं वीडियो एक सेपरेट बनाऊंगा, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। लेकिन गाइस आज की वीडियो में बस मैंने इतना ही आपको एक्सप्लेन किया था स्ट्रीमिंग ऐप्स के बारे में, हालांकि अगर आपको एक डिटेल में वीडियो चाहिए ऐप को लेकर के फीचर्स को लेकर के वो सब मैं बना दूंगा, लेकिन जब आप बोलेंगे तब, ऐसे नहीं। ठीक है, इसमें मैंने ऑमलेट टारगेट को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है फिलहाल के लिए, मैं बहुत पहले यूज करता था उसका ऑमलेट टारगेट का स्ट्रीमिंग के टाइम में, कैमरा फाइव यूज करता था स्ट्रीमिंग के टाइम में, मैंने बहुत उसका यूज किया हुआ है, मतलब अच्छा चलता है उस टाइम पे, क्वालिटी भी कैमरा फाइव में अच्छी आती है लेकिन वो 30fps देता है। ठीक है, और जो स्ट्रीमिंग एप्स है मोबाइल के भी वो भी 30fps जाते हैं, और इनमें आप जो जो मैंने आपको एप्स बताए इनमें आप कस्टम ओवरले डाल सकते हैं, वीडियो का ओवरले भी डाल सकते हैं आप, दोनों इन तीनों एप्स में डाल सकते हैं आप ओवरले। ठीक है, कस्टम ओवरले ऐड कर सकते हैं। तो गाइस ये था इस वीडियो में, ये मैंने वीडियो में थोड़ा वो जैसा भी मैंने बता दिया वो बता दिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और गाइस हैप्पी न्यू ईयर। एक हमारा गाना भी आया हुआ है अभी, वो आप जाकर के देखें और जरूर बताएं कि गाना आपको कैसा लगा, हमारा वाला जो हमने रैप सॉन्ग निकाला है यूट्यूबर एंथम के ऊपर में एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल का, तो गाइस जरूर बताएं और अपना सपोर्ट दें।